Hello my friends, I am your host Rishabh Rajesh. If you like our channel, please subscribe to our channel and after subscribing, press the bell icon to stay notified for latest updates. Hello दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो ऑटो डीएनए पर. मैं हूँ आपका होस्ट ऋषभ राजेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा की एक 7-सीटर वर्जन हैरियर का जिसका नाम है टाटा ग्रेविटास. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट ग्रिल मिलेगा वो आपको अभी अलग मिलेगा. थोड़ा मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ. पहले हम इसके लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो ये हैरियर जैसा ही सेम है, सिंगल प्रोजेक्टर मिलेगा और हैलोजन बल्ब्स मिलेंगे. जो DRL है वो भी सेम रहेगा. अभी जो डिफरेंस है वो है इसमें अभी मैट ग्रे फिनिशिंग और यहाँ पे क्रोम टाटा का लोगो जो पहले भी था. और बस यही डिफरेंस है कि इधर आपको एक क्रोम का स्ट्रिपिंग मिल गया है जो आपका ह्यूमैनिटी लाइन बन जाता है. इसका फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी शानदार दिखता है. एक्सक्यूज मी. और अभी हम साइड की ओर बढ़ते हैं. तो यहाँ पे जो आपको अलॉयज मिलेंगे वो आपको अलग मिलेंगे. जो टाटा हैरियर BS6 है उसका थोड़ा अलग मिलता है, शेड अलग मिलता है, लेकिन डिज़ाइन सेम है. इसका जो ये आपका व्हील साइज है वो है R18 और काफ़ी स्टाइलिश दिखता है. ये एक नया ब्लू कलर है जो इस कार पे सूट करता है, अलॉयज के साथ सूट करता है. और यहाँ पे जो आपको ORVM मिलेगा वो पार्ट ब्लू पार्ट ब्लैक मिलेगा आपको. यानी नीचे का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको ब्लैक मिलेगा और कुछ पार्ट आपको ब्लू. और जो डोर हैंडल्स है वो पूरा क्रोम नहीं है, बॉडी कलर प्लस क्रोम है. और बीच में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा. जो ए पिलर है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिलेगा. जो बी पिलर है वो भी आपको पियानो ब्लैक में मिलेगा. जो सी पिलर है वो भी आपको पियानो ब्लैक में मिलेगा. लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बॉडी कलर्ड आपको एक पैनल मिलेगा जिससे ये पता चलता है कि ये टाटा ग्रेविटास है, यानी हैरियर का 7-सीटर वर्जन. साइड से एक बार फिर से दिखा देता हूँ. तो काफ़ी ये बड़ा दिखता है. इसका जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है वो यहाँ से थोड़ा अलग है, लेकिन जब हम पीछे जाएंगे तो हैरियर जैसा ही सिमिलर है. सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैनल लगा हुआ है वहाँ से थोड़ा कैरेक्टर लाइन्स चेंज होता है. इधर आपको हैरियर की तरह ही एक ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग पैनल मिलता है, रियर व्यू कैमरा मिलता है, फिर आपको टाटा का क्रोम लोगो मिलता है, रियर वाइप वॉश फंक्शन मिलता है, डीफॉगर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है. और जो आपको स्पॉइलर मिलता है पीछे वो आपको बॉडी कलर में मिलता है, ग्रेविटास का बैजिंग और उसके नीचे ही एक क्रोम का बैजिंग भी. तो ये इसका पूरा लुक है जो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा. और इसके लुक सब्जेक्टिव तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत लोगों को हैरियर का लुक काफ़ी पसंद आ रहा था. और अभी ये जो एक्सटेंड हुआ है ये बेसिकली आपके हेक्सा को और आपके सफारी को शायद रिप्लेस कर देगा बस. और फिर गाइज यही था इस वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए. और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए. और नीचे भी आपको एक बार अंडर बम्पर दिखा दूँ, वो आपको हनीकॉम्ब पैटर्न में मिलेगा. तो बस यही था इस वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा.